असलामु अलैकुम फ्रेंड्स एंड फैन, अरब न्यूज़ टीवी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज आपको बहुत ही अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि भारतीय फौजियों पर अज़ाब इलाही नाज़िल हो गया। ये वही भारत है जो कल तक पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम को जंग की धमकियाँ दे रहा था, आज देखें किस हाल में जी रहा है। कभी फजाई रस्ते से शिकस्त खाता था और कभी आबी रस्ते से। हर मुमकिन कोशिश के बावजूद ये अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो सका, लेकिन हर दफ़ा पाकिस्तान की फोर्सेस ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया है और इसको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं मिटा सकती, इंशाल्लाह। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर पाक भारत जंग होती है तो क्या आप इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान की फोर्सेज, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स और ISI के गुमनाम हीरोज का साथ देंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए और इनकी हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाइए और अरब न्यूज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिले। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली में वाकया कसीरुल मंजिला इमारत में अचानक आग भड़क उठी। इमारत में भारतीय फजाइया के दफ्तर समेत वजारत पानी और जंगलात की वजारतों के दफ्तर भी मौजूद थे, जबकि आग लगने के बाद भारतीय एयरफोर्स का दफ्तर भी आग की लपेट में आ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नई दिल्ली के चीफ अफसर ने बताया है कि आग तकरीबन सुबह 8:30 पर लगी और अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। हलाकतों की तादाद अभी तक एग्जैक्ट मालूम नहीं है, जैसे कोई अपडेट आती है तो आपको इससे बाखबर करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।